वेलकम टू जस्ट कुक इट। हाय फ्रेंड्स, एयर फ्रायर स्पेशल रेसिपीज में आज हम बनाने वाले हैं एयर फ्रायर में सैंडविच, वो भी पनीर टिक्का सैंडविच। सो पनीर टिक्का वैसे ही इतना स्वाद लगता है और उसका सैंडविच वो भी एयर फ्रायर में हेल्दी वर्जन, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम ब्रेड ले लेंगे, उसके ऊपर हम बटर लगा देंगे, अच्छे से बटर को स्प्रेड कर देंगे। उसके ऊपर हमने डालना है पिज़्ज़ा सॉस, तो यहाँ पर हम जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आती है उसका यूज़ करा है, तो लगभग एक चम्मच हमने यहाँ पर डाली है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। उसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ी सी मेयोनीज़ भी डाल देंगे और इन दोनों को जो है हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और अप्लाई कर देना है, उसके ऊपर पूरा कोट कर देना है, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा अच्छे से। अब इसके ऊपर हमने लगाने हैं पनीर टिक्का के पीसेस। सो पनीर टिक्का कैसे बनाना है इसकी रेसिपी आप चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और पनीर टिक्का एयर फ्रायर में ही बनाया था हमने, तो वो रेसिपी चेकआउट कर लेना। और अब इसके ऊपर हमने पनीर टिक्का को लगा दिया है, साथ ही में कैप्सिकम और अनियन, उसको भी हमने एयर फ्राई किया था, वो भी साथ में इसके लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर देंगे। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसको ज़्यादा ओरिगैनो पसंद है वो ज़्यादा डाल सकता है, और अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर डालने वाले हैं ग्रेटेड या डाइस चीज़, और इसको अच्छे से सभी तरफ जो है हम स्प्रेड कर देंगे चीज़ को। बस अब क्या, इसको हमने रखना है एयर फ्रायर में, तो सिलिकॉन मोल्ड लेंगे, उसमें इसको रखेंगे एयर फ्रायर में 180 डिग्री पे। इसको 5 मिनट के लिए हमने एयर फ्राई कर देना है अच्छे से। अच्छा, जब से ये एयर फ्रायर लिया है ना, तब से किसी और चीज़ में रेसिपी बनाने का मन ही नहीं करता। इसमें इतनी बढ़िया टेस्टी रेसिपीज़ बनती है ना, मतलब जो डिश नॉर्मल तरीके से बनती है माइक्रोवेव में बनती है उसका टेस्ट ही नहीं आता, एयर फ्रायर में वो एकदम टेस्ट एनहांस हो जाता है और बहुत ही मस्त बनता है। और ये सैंडविच जो है वो एकदम क्रिस्पी एंड टेस्टी बन के रेडी हो गया है। अब इसको हमने कट कर देना है 6 पीसेस में, वरना इसको खाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको कट कर लेंगे अच्छे से और रेडी कर लेंगे। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना रेसिपी कैसी लगी, हमारे चैनल जस्ट कुक इट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी टेस्टी टेम्पटिंग रेसिपी कब आ जाए आपको पता नहीं चलेगा, और अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो एकदम से पता चल जाएगा।